हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि भाई आप सही भाई ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो भाई, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो, आज तो यार हमारा जाली वाला काम है और भाई काट रहा था जाली। ये देखो गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको गाइस एक चीज़ बताता हूँ। जो लास्ट वीडियो में गाइस जो कि मैंने आपको स्लॉटेड एंगल्स कस के बताए थे, वो बिल्कुल भी सही नहीं कसे थे, ठीक है भाई? वो मैंने वीडियो में मतलब हाथ से कसे थे, मतलब नट, मतलब हमने पाने से टाइट नहीं कसे थे। अब लेकिन गाइस बिल्कुल टाइट कस दिए हैं, ये देखो बिल्कुल मजबूती से गाइस लॉफ्ट को रख दिया है। और बाकी ये जो गाइस इधर भी थोड़ी बहुत, ये आप बोलोगे ऐसा ऐसा क्यों किया, आप तो बड़े 6.5 फिट का बना रहे थे भाई, लगभग भाई ये 6 फिट का आगे को है। उसका रीज़न ये है गाइस कि भाई इतनी फर्शी फिर और लगाना पड़ती और ये सब हटाना पड़ता तो गाइस काफ़ी दिक्कत आती, इसलिए बस थोड़ा बहुत अपन यार अपने हिसाब से लाए थे। फर्स्ट टाइम लॉफ्ट बना रहे हैं तो इसको हुआ तो कटवा लेंगे, नहीं तो भाई इसको ऐसे ही रहने देंगे। और ये जो दो बड़े एंगल हैं, ये ऊपर का सपोर्ट है, ये भी जब भाई कट जाएंगे वो जब ही इसके अंदर फिट हो पाएंगे। ऊपर नहीं फिट करना गाइस अपन को, उसमें और इसके अंदर फिट करना है, ताकि अपन भाई इस पे टीन वगैरह जो भी रखें वो आसानी से आ जाएं। तो देख सकते हो गाइस, आज मतलब कंप्लीट हम लोगों ने लॉफ्ट का फ्रेम तैयार कर लिया है। लास्ट वीडियो में भी कर लिया था, लेकिन आज पूरा मजबूती से भाई तैयार कर लिया है और ये कुछ भाई ऐसा दिख रहा है, ठीक है भाई। और उसी के साथ गाइस एक जो एंगल कम पड़ रहा था वो इस साइड का था, जो ये है, ये मैं एक्स्ट्रा 6 फिट का लाया था। तो ये तो गाइस मैंने इधर लगा दिया, उधर पे बस थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है। ये देखो भाई उधर से थोड़ा बहुत कम है, तो उसकी भी गाइस कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। और आज गाइस मैंने अपनी जाली भी खोल ली थी और भाई इनको हम काट काट के लगाना है, जैसे कि आप भाई देख सकते हो। तो इसको अभी मैंने भाई 6 फिट की काटी है, अब 6 फिट की और काट के ऊपर भी लगाना है। तो काट काट के गाइस नाप ले लेके भाई इसको पूरा अपन कस देंगे। और चलिए गाइस आज की मतलब कबूतरों को भी यार खोल लेते हैं, काफ़ी। अच्छा, आओ। और भाई ये चूज़ों को भी खोल दिया है बाहर, चलो। और ये पानी हटा देना, नहीं तो कबूतर नहाने लगेंगे। बस चूजे को और कबूतरों को दोनों को ही भाई खोल दिया है, बस ये जाली से दूर रहा है क्योंकि भाई काफ़ी दिक्कत है। ये देखो पूरी उंगली मतलब मेरी कट गई, और मतलब जैसे ही जाली खोली तो एकदम से बिल्कुल गाइस फैलती है। एक भाई ने बताया भी था संभाल के खोलना, ये हम पकड़े हुए थे बीच से तो बिल्कुल हाथ वात कट गया। ये देखो यहाँ भी कट गया, तो काफ़ी भाई लगी है। तो आप लोग भी भाई ऐसी जाली खोलो तो सावधान रहना। और भाई ये पूरा हम और भाई मिलकर ही कर रहे हैं, अभी तक किसी का भी मतलब सपोर्ट नहीं लिया। और कुछ भाइयों ने कमेंट की थी कि यार कितनी कंजूसी कर रहा हूँ, मजदूर को बुलवा लो। तो भाई उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो खुद बनाने में मज़ा है वो नहीं है। इससे पहले भी गाइस हमने ये बनवाया था मजदूर भाई से, लेकिन इस बार हमने भाई खुद बनाया, तो खुद बनाने में फ़ायदा है कि भाई आपको आइडिया रहेगा कि आगे भी आप लॉफ्ट बनाओ तो आसानी से बन जाए, नहीं तो भाई काफ़ी दिक्कत आएगी। अभी जैसे गाइस हमें 2-3 बार इसको खोलना पड़ा, फिर कसा, फिर खोला, फिर कोसा, भाई उसके बाद काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिला है खुद बनाने का। तो अभी गाइस सभी कबूतरों को भाई अपन दाना वगैरह डाल देते हैं, उसके बाद गाइस फिर जाली काटना है और फिर से भाई इसको इस साइड से भी कसना है। तो अभी शाम हो रही है, अब जितना हो सकेगा गाइस अभी करेंगे, फिर बाकी का काम हुआ तो गाइस अपन कल करेंगे। तो चलो भाई दाना वगैरह तो डाल ही दो कबूतरों को, जब तक मैं उस जाली को और टाइट कस देता हूँ। चलिए गाइस यार अभी मतलब अभी भी यहीं दाना डालना है, मतलब 2-3, अबे यहीं की तो आदत होगी, वो तो जब गाइस लॉफ्ट भी बन जाएगा। मैं कहने वाला था ये इधर आखिरी बार दाना डालना है, तो ऐसा नहीं है, दाना तो यार अपन इनको खोल के ही डाला करेंगे। ये वाला लॉफ्ट भी हट जाएगा टाइम आने पे, भाई इसको भी हटा देंगे। अभी तो भाई लेकिन इससे बहुत काम है, जितना आसान सोचा था गाइस इसको बनाना उतना आसान है नहीं। सोचा था भाई 2-3 दिन में बन जाएगा, और 10-15 दिन हो चुके हैं, लेकिन भाई अभी तक इसका यही बना है। और मेन चीज़ तो गाइस ये थी यार, बेस नहीं होता ना तो अभी भी भाई ये अटका ही रहता। ये तो हमने खुद ही बनाना चालू कर दिया, अब हुआ तो गाइस पूरा ही खुद ही बनाएंगे इंशाल्लाह। भाई आधा लगभग अपन ने मेन काम थे वो खुद कर लिए, तो बाकी का काम भी यार कोशिश करेंगे खुद ही कर लें। और चलिए गाइस सभी कबूतरों को भाई दाना डाल देते हैं। तो भाई देख सकते हो सभी कबूतरों ने दाना वगैरह खा लिया था और भाई ने उनको खिला पिला के बिल्कुल बंद भी कर दिया। चूज़े अभी तक भाई खुले हुए हैं, और मैंने भाई से बोला है कि भाई एक और जाली का, जैसे ही 6.22 इंच था वैसे ही गाइस इसका ऊपर का भी काटने का मैंने बोला है। तो भाई देख सकते हो भाई काट रहा है, अब काटने से ऐसा नहीं है गाइस कि भाई कसने में काफ़ी आसानी हो रही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। अगर भाई डायरेक्ट रोल करते ना तो भाई काफ़ी दिक्कत आती, इसको पूरे को उतारना पड़ता, और भाई यहाँ इतनी जगह है नहीं कि इतना बड़ा लॉफ्ट अपन अपने आंगन में उतारते। तो भाई कह रहा है इस पर रखे रखे अपन कसते हैं, तो इसीलिए गाइस हम उसको टुकड़ों में काट रहे हैं। और जो भाई ये कटर है वो भाई
एक शॉप से लेके आए, तो उनने कहा था जल्दी वापस कर देना। तो हम चाह रहे हैं कि गाइस मतलब जितने जितने नाप के हैं, जैसे ये 6.2 इंच, 6.2 इंच, 10 फिट, 10 फिट, 10 फिट के, तो ऐसे अभी हम काट के पीसेज रख लेते हैं, उसके बाद भाई को कटर यार अभी वापस कराएंगे, उसके बाद गाइस अपन आराम से भाई ये जाली कसते रहेंगे। भाई हटाऊँ, फिर हटाऊँ, तुम भी हट जाओ, हटो हटो हटो, ये देखो गाइस, तो भाई इससे काफ़ी बच के रहना पड़ेगा, अलग हो गई ना, ये देखो गाइस, तो ऐसे भाई अपन को अलग कर देनी है, कर दूँ, करो करो शायद और अच्छे से कटेगी, देखो काटो, अच्छा फंस गई उसमें। ये देखो भाई हमारा साथ हमारे भाई आए हैं मदद करने, हमारे हम्माद भाई, हम्माद भाई जाली कटवा दो यार जल्दी जल्दी, अपन फिर ये कटर वापस दिए आएंगे। क्या हुआ? इसको रख दो, आप दूसरा दूसरी लो, ऐसे ही भाई जल्दी जल्दी हम लोग जाली काटते आते हैं और फिर अपन आराम से इसको भाई कस लेंगे, और इसको लॉफ्ट के अंदर पटक दो ताकि ये किसी के पैर में ना लगे। ये जाली, ये वाली पटक, ये देखो भाई इस पे खड़े हो ना अम्मत भाई, फिर आसानी से कटेगी वो। खड़े हो यार तुम इस पे खड़े हो, इसको और खोलो, बस अभी इंची टेप से भाई इसका नाप लेते हैं। तो भाई यार देख सकते हो पूरी जाली जितनी भी थी हमने पूरी काट ली है, ये देखो भाई जितनी भी थी, और गाइस मुझे लग रहा है काफ़ी जाली कम पड़ेगी, तो अभी यार और जाली भी लाएंगे, लेकिन गाइस उससे पहले अभी जितना भी काम बचा है, अभी तो देख सकते हो रात हो चुकी है, तो बाकी का काम करेंगे गाइस कल, और रात में भी हुआ तो थोड़ी बहुत जाली कस लेंगे। बाकी मिलते हैं गाइस कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अभी बज रहे थे यार सुबह के 10, और अभी भाई कबूतरों को और चूज़ों को जैसे कि भाई आप देख सकते हो खोल दिया है, और उसी के साथ गाइस आज सुबह से ही मतलब अभी जब से उठे हैं अब बस चाय वगैरह पिएंगे, उसके बाद से गाइस हमें अपना काम चालू करना है, काम बोले तो जाली लगाने वाला काम, तो अभी गाइस मतलब अब लग जाना है, जब तक टाइम मिलेगा हम बस इसको कसते रहेंगे, तो मैं आपको बताता भी आऊँगा, कसता जाऊँगा, फिर थोड़ा बहुत बताता भी जाऊँगा, तो चलो भाई करते हैं यार काम चालू। भाई काफ़ी देर काम करने के बाद अभी लगभग 11 बजे से 1 बज गया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई काम कहाँ तक पहुँचा। तो भाई ये देखो आप लोग, हमने इस जाली को कस दिया, इस जाली को कस दिया, और गाइस इस जाली को कस दिया। अब ये जो जाली का गाइस मैंने इधर से छोड़ा था वो इसलिए इसको और इस जाली को मिला के अपन एक नेट कसाए, ताकि भाई थोड़ा बहुत एक साथ मिलके और मजबूत हो जाए। तो इधर से कम्प्लीट हो चुका है गाइस अपना, अभी भाई हमने मिलके इस साइड का, इस साइड भी जाली लगा दी है, और नीचे की बची है वो की गाइस अभी उसको कसेंगे, तो इसमें ज्वाइन करके एक साथ कस देंगे। ठीक है भाई, अभी हम गाइस थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के गाइस फिर अपन काम चालू करते हैं। तो गाइस आ चुके हैं वापस काम चालू करने, और देखो भाई इधर से नट कसने का काम स्टार्ट कर दिया है, इधर से और इधर से बचा है, और हम्माद भाई भी आ चुके हैं। हम्माद भाई मत छुपाओ मुँह अपना, सब जानते हैं तुमको। और भाई तीन लोगों की ज़रूरत बहुत पड़ेगी अगर आप ऐसा लॉफ्ट बना रहा हो, क्योंकि ऐसे टाइट नहीं कस के पकड़ोगे ना भाई, तो भाई काफ़ी दिक्कत आएगी, हमें भी अभी कहीं काफ़ी दिक्कत आई थी। एक भाई टाइट कस के पकड़ेगा, और दूसरा मतलब मैं यहाँ से नेट पकड़ता हूँ और भाई पीछे से नेट कसता है, तो तीन लोग मतलब तीन लोग होंगे तो आपका लॉफ्ट इस ये वाला लॉफ्ट गाइस बहुत आसानी से बन सकता है। तो चलो भाई ये वाले नेट कसने का काम भी अपन जल्दी करते हैं।
तो भाई देख सकते हो लगभग अपना आधा काम हो चुका है। और मैं भी आपको भाई दिखाता हूँ, यहाँ की भी जाली लग चुकी है और इधर की गाय जाली लगना बची है, जो कि भाई नहीं लग पाई। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ भाई। जो हम रोल लेके आए थे जाली का 50 फिट का था, और मैंने गाइस आपको पहले ही बोला था भाई 50 फिट अपन को कम पड़ेगा, पर अभी कम से कम अपना 14 या 15 फिट कम पड़ रहा है, मतलब 64 फिट टोटल लगना था। तो अभी गाइस 10 फिट का अलग रोल लेके आना पड़ेगा, जो कि भाई 3 फिट का होगा, मतलब 10 फिट लाना पड़ेगा और वो ला के लगाएंगे। और उसी के साथ गाइस ये जो एक रोल ये है 6.2 फिट का, और एक रोल ये है, क्योंकि गाइस एक यहाँ लगेगा और एक भाई यहाँ पर लगेगा, फिर गाइस अपना ये पूरा काम कंप्लीट होगा। तो गाइस देख सकते हो अभी यार 4:43 हो रहा है, और हम लोग भाई सुबह 11 बजे से लगे हुए थे, और सिर्फ ये जाली और पीछे की जाली कसी है, वो इतना टाइम लग गया भाई। दिखने में आसान लगता है कि अपन कस लेंगे, लेकिन गाइस काफ़ी टाइम भाई अपना लग जाता है। देख सकते हो गाइस अभी 50 नट सिर्फ उधर ही ख़त्म हो गए थे, तो 50 और लाए फिर 16 है ना ये, हाँ 50 और मतलब 150 नट लगभग गाइस टोटल आ चुके हैं। और ये वाली जाली भी यार अभी मैं शॉप से ले आया था, तो भाई ये वाली जाली और फिट करना है, उसके बाद गाइस कुछ काम बचेगा वो ये वाली जाली का और ये वाली जाली का। वो जब तक नहीं होगा गाइस जब तक ये वाला एंगल एक और नहीं आ जाता। और उसके बाद गाइस एक छत पे जो दो सपोर्ट मैंने गाइस आपको बताए थे वो ये पड़ा है, एक एंगल ये पड़ा है और एक और कहाँ है, एक ही बचा क्या, एक ही है ना। तो गाइज ये भाई थोड़ा थोड़ा कटेगा फिर ही वो इसके अंदर फिट बैठ पाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो भाई जितना ये एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है भाई, जब ये कट जाएगा तो वो इसके अंदर फिट हो जाएगा और अपनी भाई ये छत भी बन के तैयार हो जाएगी। तो कबूतर नहीं खोलना अभी, थोड़ी देर 5 बजे खोलेंगे। चलो ठीक है, ये बाकी का गाइज ये थोड़ा बहुत ये जो बची है जाली ये और कस लेते हैं, उसके बाद कबूतरों को खोलेंगे। गाइस फाइनली भाई जाली जो थी कसने वाली जो कि भाई कस चुकी है, और लगभग भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था ये फ्रेम, वो तो गाइस वो तो हमने ऐसे ही बनाया था, वो तो मैंने आपको बता दिया था। फिर हमने कल सुबह अच्छे से फ्रेम बनाया था, और लगभग गाइस कल 3-4 बजे से जाली कस रहे हैं, और अभी भाई 5 बज चुके हैं, मतलब गाइस 24 घंटे हो चुके हैं। बाकी रात में तो सोए थे, लेकिन मतलब एक आध दिन हो चुका है गाइस, तो मैं वीडियो भी कंटिन्यू बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो वीडियो को क्यों ना भाई एंड कर दें। और बाकी का काम गाइस जैसे कि भाई जो कि मैंने आपको 2-4 चीज़ें बताई हैं, उधर की जाली कसना, उधर की छत और गेट वगैरह, तो हुआ तो गाइस वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही वीडियो में 3 बार कबूतरों को खोला है, कल शाम को, आज सुबह और अभी फिर शाम को। हाँ ना लगे, एक सेकेंड हटा रहा हूँ। ये लुक देखो एक बार कि अपना लॉफ्ट लग कैसा रहा है।